जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम। मैं इस वक्त बाज़ार आया हुआ हूँ और रियाल चेंज करवाने, यानी कि पाकिस्तान में इस वक्त रियाल का क्या रेट है ये आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ से चेंज करवाता हूँ, कितने चेंज करवाता हूँ, कितने लाख बनते हैं, यानी कि अगर आप सऊदी अरबिया से पाकिस्तान रियाल लाते हैं तो आपको क्या रेट लगेगा वहाँ पर और यहाँ पर, ये भी क्लियर कर दूँगा जी। तो अभी मैं घर रूम में बैठा हुआ हूँ, मैंने बोला कि भी अभी बाज़ार में आपको पैसे गिन कर क्या दिखाऊंगा, क्या ज़ाहरी सी बात है भाई पाकिस्तान के हालात जो चल रहे हैं, ऊपर से ईद आ रही है, इसके मतलब तो आपको इल्म है। तो मैंने बोला घर जाकर ही पैसे गिनते हैं और आपको बताता हूँ मैं भी कितने रियाल चेंज करवाए और इनके मैंने कितने पैसे लिए, ये भी क्लियर करता हूँ। और इस वक्त रेट क्या है ये भी आपको बता देता हूँ मैं, पाकिस्तान में यानी कि रेट क्या लग रहा है। सऊदी अरेबिया के भी अगर आप पैसे भेजते हैं, आपको पता ही वहाँ पर और रेट होता है, और पाकिस्तान में रियाल आप लेकर आते हैं तो यहाँ पर उनका उन रियाल देकर पैसे लेते हैं तो उनका रेट कुछ और होता है, यानी कि तकरीबन एक रुपये का फ़र्क होता है। मुझे कितना फ़र्क दिखाई दिया क्योंकि मैं आपके साथ रोज़ एक वीडियो भी शेयर करता हूँ रियाल रेट की, जो कि सऊदी बैंकों के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर क्या रेट लगा आज वो भी आपको बता देता हूँ मैं, इन दोनों में डिफरेंट क्या देखा, अगर आप रियाल वहाँ से लाते हैं तो आपको कितना फ़ायदा होगा वो भी। रियाल आप देख, पैसे आप देख लें, ये 5-5 हज़ार सारे नोट हैं। तो अभी मैं आपको गिनकर दिखाता हूँ पहले, उसके बाद आपको इनका रेट वगैरह बताता हूँ जी। तो पहले आपको मैं ये गिनकर दिखा दूँ ये कितने हैं, हम ये क्लियर कर लूँगा आपके साथ, मैं आपको गिनकर दिखाता हूँ मैं ये हैं कितने, उसके बाद फिर आपको रियाल बता देता हूँ मैं कितने के लिए और क्या रेट लगा। तो गिन लेते हैं पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, 3 जगहों पर 10-10 हमने गिने हैं। तो कितना हो गया भाई, सिंपल सीधे अल्फाज में 3 लाख। अभी आपको मैं रेट बताता हूँ कम्प्लीटली, ये 3 लाख मैंने कितने का लिया जी। तो अभी मैं आपको रेट बता देता हूँ मैं, मैंने भाई 6,000 रियाल चेंज करवाए, 6,000 रियाल वहाँ पर दिए और 4-5 दुकानें मैंने घूमी जो हमारी सिटी में है, और इनमें जो मुझे सबसे बेस्ट लगा जिनका रेट उनको दिए। तो रेट लगा जी 49.70 रुपये, पाकिस्तान में भी अभी 50 रेट नहीं हुआ है, 49.70 रुपये रेट लगा। और इसमें मैंने 6,000 रियाल दिया, उसके बनते थे 2,98,200, ऊपर से 1,800 रियाल मैंने उनको अपने हाथ से दे दिए और 5-5 हज़ार वाले मैंने उनको बोला मुझे नोट दीजिएगा। जाहिर सी बात है ये अभी 3 लाख रुपया देख लें कितना बना है, तो पॉकेट में आ जाता है इजीली। तो मैंने यानी कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप रियाल भाई चेंज करवाते हैं ना तो आपका रेट 49.70 लग रहा है। हाँ, आने वाले एक हफ्ते में 50 हो जाएगा पाकिस्तान में भी, ये भी मुझे भी पता है, 50 प्लस में भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी क्यों मैंने चेंज करवाए इसलिए अब इंशाल्लाह वो वीडियो आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूंगा मैं, ये चेंज मैंने क्यों करवाई इतनी रकम और मेरे पास खुद से थी वो रकम, मैंने सारी किस लिए यूज़ की, आपको और वीडियो में वो वीडियो भी आपके साथ कम्प्लीटली शेयर करूँगा। यानी कि यार आपको बताता चलो थोड़ा सा, गाड़ी लेने की सलाह, तो गाड़ी वगैरह कौन सी मैं ले रहा हूँ अपने लिए यूजेबल में, चलो घर के मामलों के सिलसिले में काम आती रहेगी, वो आपको किसी और वीडियो में बता दूँ।